Hello everyone, welcome to our channel Intensive Study. Today our topic is modal auxiliary verbs. आज हम modal auxiliary verbs करेंगे. देखिए, इससे पहले मैंने verbs के दो videos बनाए हैं, आप वो ज़रूर देखें. जब आप वो देख लेंगे तो आपका verbs का concept clear हो जाएगा. उसके बाद ये आपको बहुत easily समझ आएगा. Usage जो है verb का, उसके ऊपर उसे चार तरीके से बांटा गया है. देखिए, एक तो होता है main verb, ठीक है, किसी भी sentence में एक तो होता है main verb, एक होता है helping verb, एक होता है हेल्पिंग वर्ब. इस हेल्पिंग वर्ब को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह देते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो आज हम करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. और एक होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब अभी हम बेसिकली तीन चीज़ों को समझते हैं. देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस में लिखा है कि आई am running, मैं दौड़ रही हूँ. तो I am running में जो running है वो main verb हो गया. ये जो am है ये helping verb है, इसी को हम primary auxiliary verbs भी कहते हैं. यानी ये एक सहायता प्रदान करता है main verb में. जैसे I के साथ am लग जाता है, he के साथ is लग जाता है, they के साथ are लग जाता है. अगर past tense की बात हो तो had हो जाता है. अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो तो ही, शी, इट, इन सब के साथ हैज लग जाता है, हैव लग जाता है. ये सब क्या है? ये सब हैं हेल्पिंग वर्ब्स. ये हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जिसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. और रनिंग, डांसिंग, जंपिंग, राइटिंग, ये सब क्या है? मेन वर्ब्स हैं. अब एक और प्रकार होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का, जिसे अभी हम समझेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं. देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी डेफिनेशन से ज़्यादा कोई मतलब भी नहीं है हमें. इसको बस हमें रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, इसकी रिकॉग्निशन पता होनी चाहिए कि इसकी पहचान क्या है. इसकी पहचान ये होती है, देर इज नो चेंज इन द वर्ब्स, ठीक है ना. इनके जो ये जो वर्ब्स होते हैं इनमें कोई चेंज नहीं होता. आई एन जी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये सब कुछ नहीं लगता. एस और ई एस जो हम लगाते हैं ना वर्ब्स में, जैसे शी गोज, ही गोज, ये भी नहीं लगता. इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है. तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. इन्हें हम मॉडल्स भी कहते हैं या फिर मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं. अब आपको याद आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ. तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं आता. देर इज नो चेंज इन दीज वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट और नंबर्स. चाहे एक व्यक्ति की बात हो चाहे अनेक व्यक्ति की बात हो, इन वर्ड्स में कोई चेंज नहीं होता. तो यही इसकी रिकॉग्निशन है, यही इसकी पहचान है, जो कि आपको ध्यान रखना है. अब आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कैन के यूजेस करेंगे. कैन का मीनिंग क्या होता है? सकना, ठीक है ना. कर सकते हैं, सकता, सकते, या फिर सकती. मैं खाना पका सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, तुम काम कर सकते हो, वह जा सकता है. ये सकता जो वर्ड होता है ना, यही इसी को इंग्लिश में हम कैन कहते हैं. अब कैन का कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होता. कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, मगर वो कैन में कोई चेंज नहीं किया जाता. जैसे ही या शी के रिस्पेक्ट में, या अगर एक से ज़्यादा लोग हों तो आप कैन का फॉर्म चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता. कैन एज इट इज़ वर्ड यूज़ किया जाता है. देखिए, I dash go, मैं जा सकती हूँ. यहाँ पर हम can लिखेंगे और मीनिंग हो जाएगा I can go. ये एक पॉजिटिव सेंटेंस सेंटेंस. नेक्स्ट है ही डैश लिफ्ट द बंडल, वो बंडल को उठा सकता है. तो सकता है, इसके लिए यहाँ पर भी हम can लिखेंगे, ही कैन लिफ्ट द बंडल. और ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है. ये मैं यहाँ पर शॉर्ट में PS लिख रही हूँ. लास्ट है वी डैश पास द एग्जामिनेशन, हम एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं. तो कर सकते हैं, इसके लिए हम कैन लिखेंगे. ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस ही था. फोर्थ वन इज डैश यू हेल्प मी. तो अब यहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो. देखिए, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें आई, जो भी सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, इन सब के तुरंत बाद कैन लगता है, वर्ब के बाद नहीं. ये वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है और ये सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं और फिर मेन वर्ब लगाते हैं.
लेकिन क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, ये जो मोडल वर्ब है, ये जो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि कैन है यहाँ पर, ये कैन हम स्टार्टिंग में लगा देंगे. कैन, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो. ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव. अब इसका आंसर नेगेटिव में है. सॉरी आई डैश हेल्प यू, नहीं मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. तो नहीं कर सकने के लिए आप कैन नॉट बोल सकते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में कांट भी बोल सकते हैं. कैन नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है कांट, जिसका मतलब होता है नहीं कर सकते हैं. तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. तो बहुत ही सिंपल है एक मोडल ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस में यूज करना. पॉजिटिव सेंटेंस में यह सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में ये सबसे पहले लग जाता है और इसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब लगाते हैं. और नेगेटिव सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट बन जाता है, कैन नॉट या फिर कांट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.